माझं नाव प्राध्यापक संजय शामरावजी रंगारी, मी गडचिरोली जिल्ह्यामधून आलो आहे. मुंबई ते कोरचीचा प्रवास 1200 किलोमीटरचा पडतो आहे. आमचं आंदोलन 20 डिसेंबर 2021 पासून आझाद मैदान इथे सुरू आहे. आजच्या आंदोलनाला 234 दिवस झालेत आणि ह्या महाआक्रोश आंदोलन 10 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू आहे. मंत्रालय स्तरावर 2 फेब्रुवारी 2022ला अर्थ विभागाच्या आराखड्यामध्ये आयुक्त कार्यालयातून सर्व निकषासहित पात्र होऊन याद्या मंत्रालयीन स्तरावर आल्यात, परंतु आजपर्यंत शासन आणि प्रशासनाच्या मस्तावलेपणामुळे आजपर्यंत मंत्रिमंडळाचा निर्णय या आमच्या अघोषित शिक्षकांच्या म्हणजे निर्णयाच्या प्रत पोहोचलेला नाही. आज अघोषित शिक्षक महासंघ सातत्याने शिक्षण मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, त्यांचे अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करतो आहे, परंतु ते कोंडी फुटत नाही. आणि आज माननीय शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या दालनामध्ये आमचे पदवीधर आमदार, विधान परिषदेचे आमदार, आमच्या अघोषित शिक्षक महासंघाचे प्रतिनिधी मंत्रालयामध्ये बैठकीमध्ये आहेत. त्यांचा काय निर्णय होतो तो आम्हाला 5 वाजेपर्यंत कळेल. आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामधून, प्रत्येक तहसीलमधून या आंदोलनामध्ये आमचे शिक्षक बांधव भगिनी आलेले आहेत. 3961 प्रस्ताव हे निधीसहित घोषित करून 100% अनुदान या शिक्षकांना द्यावं अशी आमची नम्र विनंती आहे. उद्याच्या कॅबिनेटला हा विषय कोणत्याही परिस्थितीत व्हावं आणि आमच्या शिक्षकांना एक दिलासा मिळावा हीच शासन आणि प्रशासनाकडून अपेक्षा आहे. मैं गयाली मैडम गढ़चिरौली जिला से आई हूँ. मैं माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती हूँ और हम पिछले 236 दिनों से मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 16 से 20 साल तक अभी तक सरकार हमें कोई भी पगार नहीं दी है. और पूरे भारत देश क्या पूरे विश्व में कहीं पर भी आप देखिए और जाइए ढूंढिए कि कौन ऐसा सरकार है या फिर कौन ऐसी फील्ड है, क्षेत्र है, जहां पर कि काम करने के बाद उसका मुबदला नहीं मिलता, उन्हें पगार नहीं मिलता, उन्हें वेतन नहीं मिलता. जबकि भारतीय संविधान में हमें पता है कि समान काम समान दाम अगर है भारतीय संविधान तो शासन क्या कर रही है. पिछले 16 सालों से ये शिक्षक सारे बिन पगारी है, ये सब भूखे हैं. आज किसी को शौक नहीं है कि घर में दिवाली है. 20 साल से हम दिवाली नहीं मना पा रहे हैं. बच्चों के साथ घर में दरवाज़ा लगा के बैठे रहते हैं, ना एक मिठाई करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम बिन पगारी काम करते हैं. हमें 2 पैसा भी, 1 रुपया शासन की ओर से हमें पगार नहीं मिलता. तो 3961 स्कूल कॉलेजेस जो है 2 फेब्रुवारी 2022 को जो मंत्रालय स्तर पर आई है, शासन से मेरा यही निवेदन है कि इस दिवाली तो अभी हमारा अच्छा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए. और सभी शिक्षकों को जो 3961 स्कूल कॉलेजेस हैं वो निधि से घोषित करें. इतना ही मैं हाथ जोड़ करके फिर से एक बार निवेदन करती हूँ. ये सारे अघोषित शिक्षक, इनके पेट में कुछ भी नहीं है, पेट में आग है, भूख है और किसी को शौक नहीं है. हजारों की संख्या में स्कूल कॉलेजेस घर दार छोड़ करके ये महिला भगिनी और जो शिक्षक है सब आकर के आज़ाद मैदान में बैठी है. तो मैं फिर से एक बार शासन से निवेदन, विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज का जो निकाल है हमारा अच्छा होना चाहिए. और कैबिनेट में हमारा जो अनुदान का जो विषय है, जो अघोषित स्कूल कॉलेजेस है, वो निधि से घोषित करें. इतना ही मैं निवेदन करती हूँ. अघोषित शिक्षक महासंघाचा भारत माता के अनुदान.